बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाले पोहे के चिवड़े की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार बनाकर महीनों भर खा सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कप मीडियम वाला पोहा लेकर इसको थोड़ा थोड़ा छलनी में डालना है और तेज गर्म तेल में फ्राई कर लेना है। फ्राई होते ही एकदम से फूल जाते हैं और ज्यादा दिखने लग जाते हैं। तो पोहा हमने सारा फ्राई कर लिया है। अब 3 से 4 चम्मच मूंगफली की गिरी लेकर इनको भी छलनी में डालकर फ्राई कर लेंगे। अब उसी बॉल में इनको निकाल देना है। अब छलनी में ही खोपा, बादाम और काजू ऐड करके इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते ही उस बॉल में इनको डाल लेना है। और ये 25 से 30 करी पत्ता मैंने लिए हैं, इनका काफी अच्छा टेस्ट इसमें आता है। ये भी फ्राई करने से अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। अब भुने हुए चने और किशमिश इसमें ऐड करेंगे। अब कश्मीरी लाल मिर्च, काफी सारा अमचूर पाउडर, नमक, काली मिर्च, ये सब मिक्स करके स्टोर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।